वेलकम टू संजीवनी लाइफस्टाइल। संजीवनी लाइफस्टाइल में मैं बबली चंद्रा आज कुकिंग सेक्शन में आपके लिए जो नई रेसिपी नई वीडियो लेके आई हूँ उस पर मैं आपको सिखाऊंगी साउथ इंडियन साइड डिश ही न केवल बल्कि ये मेन कोर्स में भी इसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आज मैं आपको सांभर बनाना सिखा रही हूँ जो कि ये साउथ इंडियन का मेन कोर्स में भी सर्व होता है और उसके अलावा ये सारे साउथ इंडियन डिशेस के साथ साइड डिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सांभर को आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, इडली, डोसा, उत्तपम, उसके बाद मेदू बड़ा, किसी भी चीज़ के साथ इसे आप खा सकते हैं। सांभर खुद भी अकेले अगर आप इसे राइस या फिर रोटी के साथ खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सांभर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उस पर हम नज़र डालते हैं। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स जो रिक्वायर होगी, यहाँ पे मैंने सीजनल वेजिटेबल्स लिए हैं। आपको जो वेजिटेबल्स आपको अच्छे लगे आप अपने अकॉर्डिंग उसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलीफ्लावर्स लिया है, गोभी जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे फिर हमने गाजर लिया है, यहाँ पे हमने कैबेज लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे लौकी ली है, कद्दू जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे कुछ पीज हमारे पास है, मटर, फिर शिमला मिर्च हमने लिया है, थोड़े से ग्रीन बीन्स लिए हैं, उसके बाद टमाटर। इसमें टमाटर अधिक मात्रा में पड़ती है क्योंकि इस सांभर थोड़ा खट्टा सा टेस्ट होता है जो कि टमाटर और टर्मरिक यानी कि इमली से आती है। इसमें हम इमली भी डालेंगे। यहाँ पे इमली को हमने 4 to 5 hours के लिए सोक करके रखा है वाटर में। उसके अलावा यहाँ पे हम सांभर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे जो कि मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तड़के के लिए यहाँ पे हमने लिया है ब्लैक राई, उसके बाद यहाँ पे क्यूमन सीड, थोड़े से लहसुन, अदरक, ग्रीन चिलीज, उसके साथ ही रेड ड्राई चिलीज भी है हमारे पास। कड़ी पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्लेवर को एनहांस करता है और किसी भी साउथ इंडियन डिश में हम तेज पत्ते के अलावा, जैसे तेज पत्ता को हम अपने रेगुलर खाने में इस्तेमाल करते हैं, वही साउथ इंडियन फूड में हम तेज पत्ते की जगह पे ये करी लीव, फ्रेश करी लीव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दाल में हमें जो लेना है वो है रहर दाल। यहाँ पे हमने रहर दाल को थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा है, इसे हम बॉईल करेंगे विद लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले इसे हम कुकर में सीटी लगने के लिए डाल देते हैं। हमारे स्पाइस बॉक्स में से हम सबसे पहले इसमें सॉल्ट एज टू टेस्ट, उसके बाद थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर इसमें हम डालेंगे फॉर द कलर, उसके बाद इसे हम फाइव टू सिक्स विसल, जब तक कि दाल पूरी तरीके से गल जाए, इसे हम सीटी लगाएंगे। यहाँ पे इसको हम प्रेशर कुक करने के लिए दाल को यहाँ पे छोड़ देंगे। इसे हम 5 to 6 विसल तक कुक करेंगे, तब तक कि दाल पूरी गल जानी चाहिए। उसके बाद इसमें हम वेजिटेबल्स, जो हमारी इतनी सारी वेजिटेबल्स है, इसे हम थोड़े तड़के के साथ फ्राई करेंगे, मसाले के साथ फ्राई करेंगे, उसके बाद दोनों का फिर हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे जो दाल हमने बॉईल करने के लिए रखा था, ये दाल आप देख सकते हैं कि बॉईल हो चुका है। इसमें हमने थोड़ी सी टर्मरिक और सॉल्ट मिलाई थी, सॉल्ट भी हमने इसमें ज़रा सा मिलाया था। उसके बाद अब हम वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। कितने लोग क्या करते हैं कि दाल को बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद वेजिटेबल्स को फ्राई करते हैं, फिर उसमें ऊपर से तड़का लगाते हैं, पर मेरे वर्जन में आप देखेंगे कि हम सबसे पहले इसमें तड़का लगाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, हम इतना ऑयल लेंगे कि हमारी सब्जियां इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। इस ऑयल में हम अपनी सारी टेम्परिंग डालेंगे तड़के के लिए। सबसे पहले इसमें हमने जीरा डाला, ब्लैक राई डालेंगे हम, उसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, सूखी हुई लाल मिर्ची भी तोड़ के डाल देंगे, यहाँ पे हमने थोड़ी सी हरी मिर्च चखी है, उसके बाद ये करी लीव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करी लीव्स हम इसमें डालेंगे। करी लीव से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थोड़े से साबुत रहर दाल या चना दाल आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे और अनियंस को फ्राई करेंगे।
जब हम अनियन को फ्राई कर रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे। हींग को हमने उस समय गर्म तेल में नहीं डाला क्योंकि जब हम अनियन को भी फ्राई करेंगे तब भी तेल हमारा बहुत गर्म होगा और उस समय इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो हींग बर्न हो जाती है और एक बर्न फ्लेवर आता, इसलिए हमने उस समय हींग नहीं डाला है। हींग का बहुत लाइट फ्लेवर चाहिए हमें, इसलिए अभी हम डाल के हींग को साथ में भुनेंगे। आई गेस कैमरे की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप इसका अरोमा फील कर सकते हैं। बिलीव मी, ये बहुत ही बेहतरीन स्मेल कर रहा है। जब प्याज हमारा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगे उसमें हम उसके बाद जो सब्जियां हमारी ज्यादा टाइम लगती हैं पकने के लिए उसे हम डालेंगे। यहाँ पे सारी सब्जियों को हमने क्यूब्स में काट के रखा है ताकि जो थोड़ा जब हम सब्जी को वापस से प्रेशर कुक करेंगे तो ये बिल्कुल भी पकेंगी नहीं, मतलब गलेंगी नहीं, इसमें हम थोड़ा सा बाइटिंग हमारे पास आना चाहिए। जब इसे हम टेस्ट करेंगे तो बाइटिंग इसमें थोड़ी सी आनी चाहिए, इसलिए हमने सब्जियों को बिल्कुल बारीक नहीं काटा है, थोड़ा हमने इसे क्यूब बड़ा ही रखा है। उसके बाद हम सब्जियों को इसमें डाल देंगे। सब्जियों को हल्का फ्राई करेंगे। बहुत ही कलरफुल दिख रहा है हमारा ये करी। अभी इसमें आप देख सकते हैं रेड, ग्रीन, थोड़ी सी येलोइश व्हाइट, इसमें सारे कलर्स दिख रहे हैं। और जब इसमें येलो दाल जाएगी, लाइट येलो कलर की दाल, तब ये और भी खूबसूरत लगती है। इसमें अब हम कद्दू डाल रहे हैं, हमारी लौकी जिसे हम कहते हैं, हम इसमें लौकी डाल देते हैं। इसके बाद इसे भी हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने कैबेज और सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। उसके बाद सारे वेजिटेबल्स को थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स जल्दी पक जाएं, जल्दी गल जाएं, इसलिए थोड़े से नमक हम डालेंगे। नमक डालते वक्त आप ध्यान रखें क्योंकि ऑलरेडी दाल में भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था, तो उसी हिसाब से आप इसमें सब्जियों में नमक डालें। फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। एट लास्ट यहाँ पे हमारे पास ग्रीन पीस बचे हैं, उसे भी हम डालेंगे। जब तक कि वेजिटेबल्स हमारी फ्राई हो रही है, हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून यानी कि ये टीस्पून चम्मच थी इसलिए हमने 4 लिया है, 2 टेबलस्पून सांभर पाउडर जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है उसे लेंगे। उसके बाद 5 बॉक्स में से हम हल्दी पाउडर, फिर से एक बार थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी गर्म मसाला डाल के पानी के साथ इसे मिक्स करेंगे और इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। तब तक हम सब्जी को भी देख लेते हैं कहीं ये जल ना जाए, तो फ्लेम को हम कम कर देंगे क्योंकि सब्जियां भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। उसके बाद टमाटोज हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे टमाटोज हमने 4 बड़े टमाटोज को कट किया है। इतनी सब्जियों में ये टमाटोज हमारी ज्यादा लगती हैं क्योंकि सांबर जो है थोड़ा खट्टा और टैंगी फ्लेवर देना चाहिए, तो उसमें हमने टमाटोज को डाल दिया। उसके बाद टमाटो डालने के बाद इसे फिर से हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि सब्जियां ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं। इसे हम ज्यादा बिल्कुल गलाएंगे नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें क्रंची फ्लेवर चाहिए ताकि जब हम बाइट करेंगे तो वो जूसी के साथ साथ एक बाइट जब आएगी तो बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने सांबर का पेस्ट बनाया था, जब टमाटर थोड़ा फ्राई हो जाए तब इसे हम डालेंगे। यहाँ पे टमाटोज ने भी अपना रस छोड़ना स्टार्ट कर दिया है यानी कि अब ये रेडी है। उसके बाद ये जो मसाला हमने बनाया था सांबर मसाला, इसे हम इस दाल में पोर कर देंगे, थोड़ी सी पानी। ओके।
उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे सब्जी हमारी रेडी है, आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें कुक हो रहा है। जब तक मसाला कुक होता है इसमें हम टर्मरिन पल्प यानी कि इमली का जो पल्प है उसे हम डालेंगे। उसके बाद इसे भी हम साथ में भूनेंगे। एट लास्ट जो हमने दाल बना के रखा था उस दाल को भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे सारी सब्जियां और दाल हमने डाल दी हैं, इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। उसके बाद इसे फिर से हम 2-3 वेसल तक कुक करेंगे। सब्जियों को हम पूरी तरीके से प्योरी नहीं बनाएंगे, सब्जियों में भी बाइटिंग कैपेसिटी आनी चाहिए। उसके बाद इसे थोड़ा हम मिलाएंगे। ये सांबर हमारा रेडी है, जब तक कि हम 3 विसल्स इसमें नहीं लगा लेते हैं। इसमें विसल लगाने से पहले थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता जिसे हम कहते हैं, रफली चॉप करके मैंने रखा था, इसे मैं रख लूंगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मिलाऊंगी और इसे 2-3 विसल तक कुक करेंगे हम एक बार फिर से। दो तीन ब्रिसल्स के बाद हमारा ये सांभर बिल्कुल रेडी होगा सर्व करने के लिए किसी भी साउथ इंडियन डिशेस के साथ। तो अभी ये 3 ब्रिसल इसके हो चुके हैं, तो अब हम सांभर को चेक करेंगे, इसके लिड को खोलेंगे, उसके बाद देखते हैं कि हमारी सांभर रेडी है। ये सांभर हमारी बिल्कुल रेडी है क्योंकि इसमें प्योरी भी है, उसके बाद वेजिटेबल्स कुक हो चुके हैं पर कम्प्लीटली वो एकदम मैश नहीं हुए हैं, उसमें थोड़ा सा चुई फ्लेवर भी है। तो ये सांभर हमारा रेडी है, इसे अब हम सर्व करेंगे एक सर्विंग डिश में। ये सांभर हमारा रेडी है, इसे हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती के साथ। ये सांभर हमारा बनके रेडी है, ये साउथ इंडियन का बहुत ही पॉपुलर साइड डिश या फिर मेन कोर्स कह सकते हैं। इसे आप राइस के साथ, रोटी के साथ, इडली के साथ, मसाला डोसा के साथ या फिर मेदू वड़ा या फिर किसी भी चीला के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारा सांभर बनके रेडी है। आई होप आपको मेरा वर्जन सांभर बनाने का पसंद आया होगा। इस तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप संजीवनी लाइफस्टाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की और भी वीडियोस मैं बबली चंद्रा आपके लिए लेके आती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।